71% जंगलों को वन विभाग चाहे 10,000 हम वन प्रहरी लगा दें, 9-10,000 हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, तो 20,000 लोग संभव नहीं है कि हम पूरे प्रदेश के जंगलों पर काबू पा पाए। गर्मियों में जंगलों में लगने वाली आग से उत्तराखंड के पहाड़ों के खूबसूरत नजारे धुएं की परत से धुंधला गए हैं। उत्तराखंड के जंगलों में गर्मियों के मौसम में लगभग हर साल आग लगती है, लेकिन अप्रैल के महीने में उत्तराखंड के जंगल बड़ी तेजी से धधक रहे हैं, जिससे राज्य सरकार और वन विभाग की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड की वन संपदा और जंगल कितने तेजी से जल रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नवंबर से अब तक 4.5 गुना तेजी से जंगल जल रहे हैं। उत्तराखंड में 15 फरवरी से 15 जून तक जंगलों में आग लगने की घटनाएं पीक पर होती हैं, लेकिन अप्रैल महीने की शुरुआत में ही अधिकतर जंगल धधक रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2015 में जंगल में आग लगने की घटनाओं में ना तो किसी की जान गई और ना ही कोई जख्मी हुआ। साल 2016 में जंगल में लगी आग से 6 लोगों की मौत और 31 लोग जख्मी हुए थे। साल 2017 में जंगल में लगी आग की घटनाओं में एक शख्स जख्मी हुआ था। साल 2018 में जंगल में लगी आग की चपेट में आने से 6 लोग जख्मी हो गए। साल 2019 में जंगल में लगी आग की चपेट में आने से एक शख्स की मौत और 15 लोग जख्मी हुए थे। साल 2020 में जंगल में लगी आग की वजह से उत्तराखंड में 2 लोगों की मौत और एक शख्स जख्मी हुआ था। साल 2021 में अप्रैल महीने तक जंगल में लगी आग की वजह से 4 लोगों की मौत और 2 लोग जख्मी हुए हैं। अप्रैल में उत्तराखंड में आग लगने की 15 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 13 घटनाएं आरक्षित क्षेत्र और 2 घटनाएं वन पंचायत क्षेत्र के जंगलों में हुई। इन घटनाओं में 13.5 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए हैं और 40,000 रुपए की वन संपदा जलकर खाक हो गई। करीब 50 साल से यहाँ देहरादून में रहता हूँ। पहले कोई मतलब ऐसी अग्निकांड नहीं होते थे जंगलों में। आज देखा जाए सर्दियों के दिनों में भी आग जलती दिखाई देती है, और सबसे दुख की बात है कि शहर के घरों से दिखाई दे रही है आग। यहाँ रायपुर के जंगलों की आग हमारे घर की छत से दिखाई दे रही है, और सरकार की निगाह उस पर नहीं जाती, सरकारी अधिकारियों की निगाह नहीं जाती। लोग खुद जलाते हैं और फॉरेस्ट को ख़त्म करने की एक साजिश है, उसे प्लॉटिंग करना चाहते हैं कि जब आग करके वो जंगल नहीं दिखाई देंगे तो उस पर फिर बिल्डिंगें बनाते हैं। तो ये तो लगता है कि जैसे सरकार की सह है उनको, और ये सारे भूमाफिया जो हैं ये जंगल को कन्वर्ट कर रहे हैं प्लॉट्स में। अप्रत्याशित रहा इस साल कि जो शीतकाल में फायर लगना, और वो भी मतलब बहुत इक्का दुक्का नहीं, थोड़ा ज़्यादा लगी, जो चिंता का विषय बना। तो हम लोगों ने जब इसको फील्ड में जब सर्वे किया और ग्राउंड कंडीशंस को देखा, तो सबसे बड़ा फैक्टर ये पाया कि इस साल जो कोरोना रहा, कोरोना के कारण जो हमारा जो पिछला फायर सीजन गया था, उस फायर सीजन में 20 साल के अंतर्गत सबसे न्यूनतम घटनाएं हुई थी और सबसे कम जंगल जला था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो एक साल पूरा हमारा वन सुरक्षित रहा, तो जंगल में घास, लकड़ी, पत्ती, ये सब का बहुत भारी मात्रा में एक्युमुलेशन हुआ। और इस साल अभी तक जो वर्षा के आंकड़े बताते हैं और नंबर ऑफ रेनी डेज और मिलीमीटर में जो रेनफॉल अगर हम देखते हैं, तो 65% वर्षा लगभग कम हुई, और ये अक्टूबर से ये टोटल ड्राई कंडीशंस ये चल रही हैं। तो जो ये ड्राई कंडीशंस रहीं, कम वर्षा का होना, नंबर ऑफ रेनी डेज कम होना, ये इसके कारण जो ज़मीन पे जो बायोमास जो इकट्ठा था, उसमें ज़रा से भी कोई लापरवाही अगर किसी ने किया, बीड़ी, सिगरेट, शादी, ब्याह, और जब कोरोना के बाद जब ये लॉकडाउन खुला तो काफ़ी मूवमेंट टूरिस्ट का भी हमारे वन क्षेत्रों में चालू हो गया। इधर वेदर ने हमको सपोर्ट नहीं किया, ग्राउंड कंडीशंस टोटल ड्राई हो गई, ज़मीन पे जो है पिछले एक साल का जो सब मटेरियल इकट्ठा हो गया, तो उससे हमारी जहाँ भी जरा से भी हुआ तो जो है आग आग के रूप में वो कन्वर्ट हुआ। जानकारों के मुताबिक 2-3 साल में मौसम में बदलाव और कम बारिश आग लगने की प्रमुख वजहों में से एक है। विशेषज्ञों के मुताबिक
इस बार करीब 65% बारिश कम हुई है, जिससे जंगल शुष्क स्थिति में है। पिछले साल कोविड-19 के दौरान 20 सालों में सबसे कम जंगल जलने का रिकॉर्ड रहा था। ऐसे में जंगल में सूखी पत्तियां, पेड़ और लकड़ियों की वजह से आग तेजी से लग रही है। लॉकडाउन के बाद अचानक जंगलों में लोगों की आवाजाही का बढ़ना भी आग लगने की एक बड़ी वजहों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।